हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट कैसे कम करें ए टू जेड। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट को कम करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको एक ऐसी ही ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे रिपोर्ट भी कर चुका हूँ फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। जब भी मैं किसी को यहाँ पे अनफॉलो करने के लिए जाता हूँ तो फॉलोइंग फिर से हो जाती है, यानी कि हमारा जो नंबर्स होता है अनफॉलो यहाँ पर होने के बाद नंबर्स घटना चाहिए, लेकिन नंबर्स यहाँ पे घट नहीं रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पे दो लोग को अनफॉलो करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3247 फॉलोइंग भाई ने कर रखा है, और मैं अब यहाँ पे बैक जाता हूँ 45 दिखा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे मेरा अकाउंट पे ऑटोमेटिक दो फॉलोइंग यहाँ पे बढ़ जाएगा जो मैं अभी फॉलोइंग को कम कर किया हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लाइव प्रूफ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं आपके सामने लाइव दिखाया हूँ। बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो। मैं आपको एक ऐसी ही ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा, रियल ट्रिक बताऊंगा जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपके अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हम तो अभी नए अकाउंट बनाए हैं तो मैं अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाऊं। तो काफ़ी लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे जो लोग अभी नए अकाउंट बनाए हैं, नया यूजर्स हैं, सभी लोग यहाँ पे अपनी फॉलोइंग को पहले इंक्रीज करते हैं 1000, 2000, 4000, क्योंकि भाई वो लोग भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पे फॉलोइंग करूँगा तो हमारा फॉलोअर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लोग हमें फॉलो बैक भी देंगे तो हमारा फॉलोअर्स यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा फॉलोअर्स यहाँ पे 1000, 2000, 4000 जो भी होता है यहाँ पर मेरा फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अपना जो फॉलोइंग लिस्ट है यहाँ पे कम कर लूँगा। यही सोचकर सभी लोग अपनी फॉलोइंग को बढ़ा लेते हैं। बट मैं आपको बता दूँ भाई, आप यार यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी रूल्स जो होता है इसको फॉलो किया करो। एक बार में आप 50 बंदे से ज़्यादा फॉलोइंग मत किया करो, यानी कि आप थोड़ा सा टाइम दे देकर आप फॉलोइंग को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप फॉलोइंग नहीं कर सकते, फॉलोइंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम दे दे करके अपने 50-60 फॉलोइंग इंक्रीज करना है एक बार में, ठीक है। यानी कि आप एक दिन में 100 और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 कर सकते हो, ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका यहाँ पे जो स्पैम होता है इंस्टाग्राम टीम को पता चल जाता है कि ये बंदा स्पैम कर रहा है इंस्टाग्राम पर, तो आपके इंस्टाग्राम पर इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट कर देता है। तो आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते हो बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखना। जी हाँ गाइस, आपको करना क्या है, यहाँ पे बैक आ जाना है होम स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर आपके जो फ़ोन के सेटिंग्स होते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक आप जब करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स लिखा हुआ, या फिर हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप्स मैनेजमेंट लिखा हुआ मिले, तो आपको क्या करना है यहीं ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे, डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होंगे, सभी आपके सामने देखने को मिलेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे गाइस, देन आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लोडर लेगा, आपके एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 1 सेकंड। यहाँ पे आप जैसे ही वेट करते हो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल किए हो सभी सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है कि आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है कहाँ, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक आप जब करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे की साइड स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लियर डाटा का। आपको सिंपली क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लियर ऑल डाटा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में, आपके अकाउंट में लॉगिन है, जो भी बग यहाँ पे होते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, आपके अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो जाती है जो भी बग वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर डाटा इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद गाइज आपको जैसे ही आप क्लियर डाटा करते हो तो आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे जो आईडी बना है, आईडी जो लॉगिन किए थे वो लॉग आउट हो चुका होगा अपने आप से। तो करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। आप जब भी ओपन करोगे क्लियर डाटा करने के बाद तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करने को मांगेगा। तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड देकर आप इसे लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ।
सो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से मैंने लॉगिन कर लिया इस अकाउंट को। भाई ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि भाई मेरे अकाउंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं फॉलोइंग को कम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो। तो भाई क्यों नहीं कर सकते यार, आप भी इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मैसेज करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रिक, आप इसको भी फॉलो करना, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 110%। अब आपको क्या करना है, जब आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे थ्री लाइन मिलता है कॉर्नर पर, आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे, आपको पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको स्क्रीन शॉट लेना है इस तरह से प्रोफाइल का, क्योंकि भाई आपको बताना है इंस्टाग्राम को कि मेरे अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट इसलिए लिया हूँ क्योंकि वो अकाउंट को रिसर्च कर सकता है, इंस्टाग्राम टीम आपके अकाउंट को यहाँ पे रिसर्च करेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। क्लिक जब आप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की साइड आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प लिखा हुआ, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्नैक फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है, फिर से रिपोर्ट प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंक्लूड एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपको क्या करना है, जो आप स्क्रीन शॉट लिए हो गाइज, आपको यहाँ पर फिलअप करना है, सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो पहले इसको आपको कट करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कट का चिन्ह आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको कट कर देना है कुछ इस तरह से। जी हाँ गाइज, मैं यहाँ पे कट कर दिया हूँ। अब अपलोड पर क्लिक करके मैं वही स्क्रीन शॉट को यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट तो ले लिया हूँ, अब आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ आपको बताना है कि मेरे अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आपको रिक्वेस्ट करना है इंस्टाग्राम टीम को कि हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक कीजिए। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। रिस्पेक्ट टीम इंस्टाग्राम में पढ़कर नहीं सुना सकता यार, वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, आप वहाँ से देख करके लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको इतना सारा कुछ करने के बाद गाइस, आपको सेंड आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है जो आपको कॉर्नर पर मिलता है। सिंपली यहाँ पर आप जब क्लिक कर दोगे गाइस, तो आपका यहाँ पर रिपोर्ट जो होता है इंस्टाग्राम टीम को पता चल जाएगी। और जैसे ही पता चलेगी आपके इंस्टाग्राम पर, आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको रिसर्च किया जाएगा, और आपकी प्रॉब्लम कुछ घंटों में, यानी कि भाई एक दो दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपको वेट करना है, और आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम यहाँ पर आप चला सकते हो, बट यार भाई आपको मैं बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज ही ना करो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दो दिन आप रह सकते हो इंस्टाग्राम के बिना तो रह सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी बहुत ही आसानी से। बट यार क्या करना है कि आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आना भी, तो आप इसको फॉलोइंग को यहाँ पर फॉलो अनफॉलो नहीं करना, क्योंकि यार एक करोगे तो भाई आपकी एक प्रॉब्लम जो है कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो आपको वेट करना है 24 आवर।